वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। टाइम हमारे पास कम है इसलिए हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मावल रात इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की इस सीरीज में, आज अनबीटन हाफ सेंचुरी और इससे पहले दो सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। सवाल आपका सिलसिला स्टार्ट करते हैं। शाहिद हाशमी, इसलान जट और फिर सुरेंद्र इमरान। इमाम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो परफॉर्मेंस पे। क्या नया किया इस सीरीज में? बड़ा इंटेंट नजर आ रहा था आपके, आप फीड भी यूज कर रहे थे, चौके छक्के भी मारे हैं, तो क्या नया किया इस पूरी सीरीज में? जी अस्सलाम वालेकुम सर, सच बताऊं तो नया तो कुछ भी नहीं किया। जैसे मैं खेलता हूँ वैसे ही खेल रहा था। बस ये होता है कि जब फॉर्म अच्छी होती है तो बॉल आपको जो है अच्छा नजर आता है, और फिर मिडिल होता है तो गैप में ज्यादा लगता है। तो इसलिए जो है फॉर्म को मैंने, अल्लाह ने फॉर्म को कैश कराया टेस्ट सीरीज से, जो है काफी हेल्प हुई। तो उसके बाद जो है वो कॉन्फिडेंस जो है मेरी कोशिश थी कि मैं इसको भी कंटिन्यू करूं। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सीरीज जीतने पे। दूसरा ही बताइएगा कि तकरीबन 4 सेंचुरी आप स्कोर कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो अब जो तनकीद लगातार आप पे होती रही है, तो कोई इस पे कमेंट करना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने 4 सेंचुरियां स्कोर की हैं और स्कोर भी किया उसके बावजूद जब क्रिटिसाइज होता है, तो कितना रिलीफ इस चीज से मिला और उनको पैगाम क्या देना चाहेंगे? बस जिस तरह चल रहा है अल्लाह का शुक्र है। बाकी मेरे ख्याल से टीम की बहुत सपोर्ट है, बाकी जो क्रिटिसाइज करते हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, वो भी पाकिस्तान के लोग हैं तो कोई बात नहीं। सुहेल इमरान। इमाम, आपका बड़े अच्छा चांस था तीसरी सेंचुरी करने के लिए, कितना आप समझते हैं कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया काश थोड़ा सा रन ज्यादा बना लेता, आपको सेंचुरी बनाने का मौका मिल जाता इस सीरीज से? सर देखिए, मेरे ख्याल से मेरे लिए सच बताऊं तो मेरा अंदर सिर्फ ये फोकस था कि हम तो इस पे भी तोड़ रहे थे, हमने 211 के हो गया समथिंग, तो लग रहा था 160 पे हमारी कोशिश थी कि इनको रिस्ट्रिक्ट कर ले। मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि हम सीरीज जीते। 2002 में लास्ट सीरीज पाकिस्तान जीता था, तो मेरा सिर्फ फोकस वो था। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज मेरे ख्याल से मैटर करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी रिस्पेक्ट और सबसे चीज हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज थी कि हम सीरीज जीतें। जी फरीद खान, सवाल करें। जी सलाम अलैकुम इमाम, मुझे बताइएगा जो इंटेंट की बात हो रही थी पहले मैच में, खास तौर पर आपको 4 से ऊपर थोड़ा सा रन रेट चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने 5.5 से ऊपर का रन रेट जो है वो मेंटेन किया, 12 ओवर्स पहले भी जो है वो टोटल को चेस किया, तो कोई ऐसी बात हो रही थी टीम में आपकी, बाबर के साथ या फखर के साथ, कि इसको जल्दी फिनिश करेंगे और एक स्टेटमेंट देंगे हम लोग जो है वो इंटेंट भी शो कर सकते हैं? देखिए सर, डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं गेम में और डिफरेंट विकेट्स आते हैं। पहले मैच में विकेट जो था सेकंड टाइम डिफरेंट बिहेव कर रहा था, और अगर मुझे पूरी यकीन है कि अगर वो उस मैच में बॉब्स आउट ना होता तो वो भी मैच हमारे हाथ में होता, कि वहां पे हमें टाइम नहीं मिला रिकवर करने। समटाइम्स उनको भी आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, वो भी नंबर टॉप 3 की साइड है, वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेकिन ये होता है कि ये पार्ट ऑफ द गेम है, इससे आप सीखते हैं क्या आपने गलत किया क्या आपने अच्छा किया, उसको फिर कोशिश करते हैं कि उनको गलतियों को ना दोहराएं और कोशिश करते हैं कि एक अच्छी चीज है, मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ द गेम है। जी कादिर ख्वाजा, आखिरी सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम इमाम, बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह बड़ी अच्छी फॉर्म में है और जिस तरह आपने रन्स किए हैं हमेशा से परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं। ये बताएं कि अग्रेसिव क्रिकेट जो है जिस तरह हमें नजर आई है, इस तरह आपने जो अभी खेले हैं, क्या बाबर आपके चूंकि दोस्त हैं और काफी अच्छे मतलब समझाते भी हैं आप लोग एक दूसरे को, जब कोई गलत शॉट खेलते हैं, जब उसके साथ कोई पार्टनरशिप लगी होती है, तो वो आपको समझाता है, डांटता है, या आपको कहता है कि यार इमाम ये क्या किया है, फिर उसके बाद आप उससे सीखते हैं, कितना हेल्प मिलती है वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर आपके साथ खेल रहा होता है? देखें, बहुत ही मेरे ख्याल से हम दोनों की दोस्ती बहुत हेल्प करती है, टू बी ऑनेस्ट, अंदर क्रिकेट में हमें ऑन द फील्ड, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसके और मेरे दिमाग में एक दूसरे को पता चल रहा होता है कि हम क्या सोच रहे होते हैं, तो वो कोशिश होती है। क्योंकि देखें, मुझे ऐसा लगता है व्हाइट बॉल जो वनडे क्रिकेट है वो टॉप 3 पे बहुत डिपेंड करती है। अगर आपका टॉप 3 है तो मेरे ख्याल से 8 की एवरेज या 9 की इन दी एंड, अगर आप अंदर खड़े हैं और अगर आपके रन लगे हैं तो आप कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं, तो यही बात होती रहती है। और देखिए, दूसरी बात सेल्फ बिलीव की होती है, हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट और बिलीव बहुत ज्यादा है कि हम दोनों अगर खड़े रहेंगे तो मुझे पूरी यकीन है कि हम चेस कर लेंगे रिगार्डलेस बाहर क्या हो रहा होता है, लेकिन हमें इस बात पर यकीन होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा हुआ कि हमने मैच फिनिश किया दोनों। बहुत शुक्रिया आप सबका, क्या ज्वाइन किया।